हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर एट होम गार्डन। ये मेरा मलबेरी का प्लांट है जिसका मैं वीडियो नहीं बना पाई। हेलो फ्रेंड्स, ये वेरीगेटेड थाई पिंक गुआवा है मेरे गार्डन का। देखिए कितना खूबसूरत धारीदार इसका फ्रूट होता है, देखिए, और बहुत टेस्टी होता है ये। टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। देखिए धारीदार कितना प्यारा है ये फ्रूट। इसकी पत्तियाँ भी वाइट एंड ग्रीन होती है। आज मैं आपको इस वैरायटी के बारे में बताऊंगी। आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं ये वैरायटी। ये फल भी देगा और सुंदर भी लगेगा। इस वेरीगेटेड गुआवा बोलते हैं इसे। ये अपने देश की वैरायटी नहीं है, ये बाहर से आई हुई वैरायटी है। फ्रेंड्स, इसकी खासियत यह है कि इसके पत्ते जो हैं कुछ वाइट और कुछ ग्रीन होते हैं। इसका फ्रूट भी धारीदार होता है, बहुत सुंदर लगता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आपके गार्डन में ये एक नई वैरायटी हो जाएगी, आप लगा सकते हैं इसे। बहुत अच्छा फ्रूट भी देता है ये। इसके पत्ते जो हैं कुछ वाइट कुछ ग्रीन है, इसलिए ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप अपने फ्लावर्स वाले प्लांट के साथ में इसको भी लगा सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। इसका फल के अंदर ये पिंक होता है, इसके फ्रूट के अंदर इस पिंक होता है और बहुत मीठा फल है ये। देखिए ये पक गया है, अच्छी तरह से पक गया है, ये वाला पीला हो गया है, फिर भी धारियाँ बनी हुई हैं इसमें। बहुत खूबसूरत दिखता है ये। देखिए इसकी पत्तियाँ और इसका फ्रूट, देखिए कितना खूबसूरत है। टेस्ट में भी बहुत अच्छा है ये। ये एक नई वैरायटी है जिसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसकी हाइट करीब 5 फीट की है ये प्लांट मेरा। देखिए बहुत सारे फ्रूट दे चुका है ये, बहुत सारे फ्रूट हम लोग खा चुके हैं इसके। देखिए इसकी कुछ पत्तियाँ ग्रीन भी होती है, प्लेन ग्रीन भी होती है, और वाइट एंड ग्रीन तो बहुत अच्छी लगती है। इसके फ्रूट भी काफ़ी खूबसूरत हैं और ये खाने में भी बहुत मीठा टेस्टी फ्रूट है ये गुआवा। ये जाम, जाम भी कहते हैं, अमरूद भी कहते हैं इसे। ये आपकी गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा देगा। ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है इसमें, बहुत अच्छा ये फ्रूट है। देखिए कि बहुत सारे फ्रूट हम तोड़ चुके हैं। इतना अच्छा फ्रूट है ये। चलिए इसके अंदर अब कैसा कलर है, कैसा दिखता है ये, इसको काट के हम बताते हैं अंदर से किस तरीके का। ऊपर से तो बहुत खूबसूरत, देखिए इसमें लाइनिंग बनी हुई है लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन की। देखिए बहुत फ्रूट दे चुका है ये प्लांट हमको। एक नई वैरायटी, थाई वैरायटी है ये भी। इसका साइज भी अच्छा होता है, बड़े साइज में होता है काफी है। देखिए देखने में इतना प्यारा है कि काटने का मन नहीं करता। देखिए अंदर से ये पिंक है, अंदर से भी काफी खूबसूरत है ये, बहुत अच्छा पिंक कलर है। देखिए कितना खूबसूरत फ्रूट है ये, ऊपर से भी और बाहर से भी। और टेस्ट में भी बहुत अच्छा अमरूद है ये गुआवा, बहुत मीठा है ये। और ये फ्रूट 12 महीने देते ही रहता है, एक के बाद एक इसके फ्रूट आते जाते हैं, फ्लावरिंग होते रहती है, फ्रूट्स आते जाती है। देखिए इसको भी जैसे सारे प्लांट्स की केयरिंग करते वैसे ही करना है। इसमें भी कंपोस्ट डालिए, गोबर की खाद डालिए, इसमें वर्मी कंपोस्ट डालिए। देखिए कितना प्यारा है ये। करीबन 1 साल का प्लांट है ये मेरा, इसकी एज 1 साल। इसमें ग्रीन भी आते हैं, जैसे ग्रीन पत्तियों के साथ में ग्रीन आ जाएगा इसमें गुआवा। और धारीदार पत्तियां हैं जिसमें डबल कलर है, तो फ्रूट डबल कलर का आएगा, जैसे इसमें ग्रीन और लाइट ग्रीन की धारियाँ बनी होती है। ये देखिए बहुत सारे फ्रूट आए हैं और फ्लावर्स आ ही रहे हैं, पूरे टाइम फ्लावरिंग होते रहती है, नई पत्तियाँ आते रहती है, फ्रूट्स बनते जाते हैं इसमें।
देखी छोटे छोटे बहुत सारे फ्रूट लगे देखी बहुत अच्छा प्लांट है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, इसे लगा सकते हैं आप अपने गार्डन में। और फ्रूट आ रहे हैं इसमें, बहुत अच्छा प्लांट है ये, ज़रूर ट्राई कीजिए आप अपने गार्डन में लगाने के लिए। इसे फ्लावरों के साथ में बीच में आप लगा सकते हैं, गुलाब के साथ में, ये आपके गार्डन में एक नई वैरायटी हो जाएगी। देखिए कितने सारे फ्रूट लगे हैं इसमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।